Hello friends, how are you? I hope you're doing good. So let us discuss the article. A weak test. एक ऐसा टेस्ट जो बहुत ज्यादा वीक है, कमजोर है. स्वच्छ सर्वेक्षण शुड गो बियॉन्ड सिंबोलिज्म एंड अडॉप्ट सस्टेनेबिलिटी. स्वच्छ सर्वेक्षण है, उसको सिंबोलिज्म से परे जाना चाहिए एंड इसको अडॉप्ट करना चाहिए सस्टेनेबिलिटी को, निरंतरता को. द एनडीए गवर्नमेंट स्वच्छ सर्वेक्षण, एनडीए गवर्नमेंट का जो स्वच्छ सर्वेक्षण है, कौन सा स्वच्छ सर्वेक्षण है? द रैंकिंग सिस्टम फॉर क्लीन सिटीज, जो क्लीन सिटीज को रैंक देने का काम कर रहे हैं, वो रोल आउट, इसको स्टार्ट किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया. रोल आउट करना, इंट्रोड्यूस करना, 4 years ago, 4 साल पहले. एज द आंसर टू द प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम का आंसर देने के लिए. सो व्हाट वाज द प्रॉब्लम? दैट की म्यूनिसिपल लॉ फेल टू सॉल्व. एक ऐसी प्रॉब्लम जिसको म्यूनिसिपल ला था, फेल हो गया था सोल्व करने के लिए. सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स. सो जो सैनिटेशन है, स्वच्छता है एंड साफ सफाई, एंड पब्लिक हेल्थ, लोगों का जो स्वास्थ्य है, आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है. किसकी जिम्मेवारी है? स्टेट गवर्नमेंट की. एंड इट इज नो सीक्रेट. इट इज नो सीक्रेट मीन्स ये किसी से छुपा हुआ नहीं है. सो वट इज नो सीक्रेट? क्या नहीं छुपा हुआ है? दैट की दे हैव स्पेक्टिकुलरली फेल्ड. जो राज्य है वो बहुत शानदार तरीके से फेल हुए एट मैनेजिंग ग्रोइंग वॉल्यूम्स ऑफ म्यूनिसिपल एंड हजार्डस वेस्ट को. जो राज्य है वो बहुत ही शानदार तरीके से फेल हुए हैं. जो बढ़ते हुआ आकार है म्यूनिसिपल का एंड हजार्डस वेस्ट है, उसको मैनेज करने में. The problem has only been compounded by the absence of plan. जो problem है वो बड़ी है, वो सिर्फ किसके कारण बड़ी है? Absence के कारण, कमी के कारण. किसके कमी के कारण? Plan की कमी के कारण. So कौन सा plan है? Let us see. ऐसा plan that take a holistic view, जो एक संपूर्ण view ले. Holistic plan. View of किस चीज का view? View of housing, sanitation का, housing का, sanitation का, water supply, वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांसपोर्ट. सो प्रॉब्लम है वो बड़ी है, किसकी कमी के कारण बड़ी है? प्लान की कमी के कारण. और कैसा प्लान? जो एक होलिस्टिक व्यू ले, एक जो संपूर्ण व्यू ले, हाउसिंग का, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांसपोर्ट. लेट अस गो अहेड. अहेड टू द लॉन्च ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2020. सो 2020 का जो स्वच्छ सर्वेक्षण है, उसको लॉन्च करने से पहले द यूनियन मिनिस्ट्री, जो यूनियन मिनिस्ट्री है, कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री? ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की. इज वंस अगेन, यूनियन मिनिस्ट्री इज वंस अगेन, वो एक बार फिर ट्राई कर रही है टू स्टेयर अप, बढ़ाने का. स्टेयर अप व्हाट? कॉम्पिटिशन को बढ़ाने का. अमंग सिटीज, शहरों के मध्य कंपटीशन बढ़ाने का काम कर रही है यूनियन मिनिस्ट्री. बाय कैसे कर रही है? बाय प्री रैंकिंग देम, उनको पहले ही रैंकिंग प्रोवाइड करके, पहले उनको नंबर प्रोवाइड करके, रैंकिंग प्रोवाइड करके देम. किसके लिए? फॉर देयर परफॉर्मेंस. जो उनकी परफॉर्मेंस थी, जो भी शहरों की परफॉर्मेंस थी ड्यूरिंग 2019 के दौरान, एंड असाइनिंग पॉइंट्स टू बी एडेड दिस ईयर. और जो उनको पॉइंट असाइन किए गए हैं, वो एड किए जाएंगे इस साल. सो यूनियन मिनिस्ट्री ने एक कॉम्पिटिशन को स्टायर अप किया है शहरों के मध्य में. और कैसे स्टायर अप किया है, कैसे कॉम्पिटिशन को बढ़ाया है उन्होंने? पहले से उनको रैंकिंग प्रोवाइड करके, जो 2019 में उन्होंने जैसा भी परफॉर्मेंस दिया, सो एज पर देयर परफॉर्मेंस दे वर गिवन सम रैंकिंग एंड पॉइंट्स. एंड जो पॉइंट्स वो ऐड किए जाएंगे दिस ईयर, आई मीन 2020 में उनको ऐड किया जाएगा. एज एन आइडिया, एक आइडिया के रूप में, अनलिशिंग द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, स्टार्ट करना एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को अमंग स्टेट्स, स्टेट्स के मध्य, मे सीम अपीलिंग. ये अपीलिंग तो प्रतीत होता है, एक आकर्षक प्रतीत होता है, बट इन रियलिटी, बट सच्चाई अगर देखे, द प्रॉब्लम कन्फ्रंटिंग अर्बन एरियाज, जो प्रॉब्लम कन्फ्रंटिंग, जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है अर्बन एरिया, अर्बन इंडिया रिक्वायर, उसको चाहिए. क्या चाहिए? प्रॉब्लम कन्फ्रंटिंग, जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है अर्बन इंडिया रिक्वायर, उसको चाहिए. क्या चाहिए? लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन,
उस पे लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए एंड फुल अडेयर और पूर्ण रूप से अडेयर करे अनुपालन करे लीगल रिक्वायरमेंट्स का ऑन वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग एंड ट्रांसपोर्ट टेक्निकल ऑडिट के रिगार्डिंग। मैनी सिटीज, बहुत सारे जो सिटीज हैं रिमेन्स क्लूलेस। बहुत सारे सिटीज तो ऐसे हैं जो अभी तक क्लूलेस है, उनको पता ही नहीं हाउ टू हैंडल देयर वेस्ट, कि वो अपना वेस्ट को कैसे हैंडल करें। वन शॉकिंग एग्जाम्पल, उनमें से एक शॉकिंग एग्जाम्पल है बीइंग द राइजिंग माउंटेन, एक बढ़ता हुआ पहाड़, माउंटेन पहाड़ चट्टान ऑफ गार्बेज, गार्बेज का, एट द गाजीपुर, गाजीपुर लैंडफिल इन दिल्ली, दिल्ली में। सो राइटर ने फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है दिल्ली का, गाजीपुर में जो एक गार्बेज माउंटेन है लगातार बढ़ता जा रहा है। आर्निकली विडम्बना पूर्ण भोपाल, सेकेंड एग्जाम्पल इज भोपाल, विच फिगर्स अमंग द टॉप 5 क्लीनेस्ट सिटीज अंडर द जस्ट रिलीज लिस्ट, जो अभी लिस्ट रिलीज हुए है, जो 5 टॉप क्लीनेस्ट सिटीज है उनमें से भोपाल एक है, वन ऑफ द टॉप 5, एंड कंटिन्यूज टू द इफेक्ट ऑफ द गैस डिजास्टर ऑफ 1984, और अभी भी वो इफेक्टेड है। गैस डिजास्टर जो 1984 में हुआ था उससे अभी भी वो अफेक्टेड है, हालांकि उसका टॉप 5 में नाम तो आया है लेकिन अभी भी वो अफेक्टेड है 1984 के डिजास्टर से। रैंक्स एंड प्राइस क्लियरली कैन नॉट सोल्व द नेशन नेशनल वेस्ट मैनेजमेंट क्राइसिस। राइटर पूरा अपोजिट इज यूज किया एंड ही इज सेइंग सिर्फ रैंक दे देना, प्राइस दे देना, ये काफी नहीं है वेस्ट मैनेजमेंट के जो क्राइसिस है उसको सॉल्व करने के लिए। लुकिंग अहेड टू द नेक्स्ट एडिशन, आगे देखते हुए भविष्य के बारे में सोचते हुए टू द नेक्स्ट एडिशन ऑफ द सर्वेक्षण, इस सर्वेक्षण का जो नेक्स्ट एडिशन होगा उससे भी आगे सोचते हुए द अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री, जो अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री हैज आइडेंटिफाइड, उसने आइडेंटिफाई कर लिया है एम्बिशियस टारगेट, अपने टारगेट को जो भी उनका महत्वाकांक्षी टारगेट है उसको इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है। कौन सा टारगेट है? 100% प्रोसेसिंग एंड सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, वेस्ट का 100% प्रोसेस करना एंड उसको सेफ डिस्पोजल करना। सेकंड इज कंप्लीट फिसल स्लच, जो स्लच है उसको कंप्लीटली स्लच एंड सेप्टेज मैनेज करना, कंप्लीटली फिसल स्लच एंड सेप्टेज को मैनेज करना, फिसल मल के लिए एंड स्लच कीचड़ वगैरह एंड सेप्टेज जो ह्यूमन वेस्ट होता है उसको अच्छे से मैनेज करना, एंड वाटर ट्रीटमेंट एंड रीयूज, एंड वेस्ट वाटर जो भी ट्रीटमेंट है वेस्ट वाटर को अच्छे से ट्रीट किया जाए और रीयूज किया जाए। दीज आर मेजर टास्क अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने जो टारगेट आइडेंटिफाई किए हैं वो सारे ये हैं, दीज आर द मेजर टास्क, और ये सारे के सारे मेजर टास्क है, बहुत बड़े टास्क है। द मिनिस्ट्री हैज ऑल्सो सेंशन फंड्स, राइटर सेइंग द मिनिस्ट्री हैज ऑल्सो सेंशन फंड्स, मिनिस्ट्री ने स्वीकृति दे दिया फंड्स की अंडर द अटल मिशन फॉर रेजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के, ये स्कीम है अटल मिशन फॉर रेजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में जो मिनिस्ट्री है उसने ऑलरेडी हैज ऑल्सो सेंशन कर दिया, स्वीकृति दे दी फंड्स के, और ये स्वीकृति किस लिए दी है? द मिनिस्ट्री हैज ऑल्सो सेंशन फंड फंड, और ये फंड किस लिए दिया जा रहा है? टू हेल्प, हेल्प करने के लिए, किसकी हेल्प करने के लिए? स्टेट की हेल्प करने के लिए। व्हाई? ताकि वो सेटअप कर सके, एस्टेब्लिश कर सके फैसिलिटीज को, कौन सी फैसिलिटी? जो नेसेसरी है टू वेस्ट मैनेज वेस्ट, जो वेस्ट को मैनेज कर सके। सो मिनिस्ट्री ने पैसा सेंशन कर दिया है, पैसा स्वीकृत कर दिया है, फंड को सेंशन कर दिया है ताकि हेल्प कर सके स्टेट के, और स्टेट उस पैसों को लेके फैसिलिटी कर सके जो भी नेसेसरी वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग उनको चाहिए। स्टेट शुड आस्क फॉर एक्सटेंडेड फंड, राइटर कह रहा है कि स्टेट्स को ना चाहिए कि वो और ज्यादा फंड के लिए डिमांड करे, आस्क फॉर होता डिमांड करना। अंडर सच स्कीम्स, इस स्कीम्स के अंडर
ताकि वो क्रिएट कर सके, टू क्रिएट द इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए स्टेट को और ज्यादा डिमांड करनी चाहिए इस गेम्स के अंडर, क्रिएट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को। इंफ्रास्ट्रक्चर किस लिए? फॉर फ्यूचर फोकस्ड क्लीनअप, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए। एंड साइमेंटेनियसली इसके साथ साथ इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट करना, शुरुआत करना, मेजर्स जो भी उपाय है रिड्यूस वेस्ट को रिड्यूस करने के जो भी उपाय है। सो स्टेट को चाहिए कि ऊर्जावर्धक फंड की वो डिमांड करे इस स्कीम्स के अंडर, ताकि वो क्रिएट कर पाए एक अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्यूचर ओरिएंटेड, फोकस्ड क्लीन अप हो। एंड साइमेंटेनियसली इसके साथ चाहिए कि वो स्टार्टअप करे, वो शुरुआत करे, मेजर्स को, उपाय को, वो उपाय को स्टार्ट करे रिड्यूस वेस्ट, वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए। द एम्फसाइज, एम्फसाइज होता जोर दे के कहना, मेन हाईलाइट करना। द एम्फसाइज वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में, द एम्फसाइज इज ऑन क्रिएटिंग अ सर्कुलर इकोनॉमी। पूरे विश्व में जो एम्फसाइज किया जा रहा है वो है कि क्रिएट करना एक सर्कुलर इकोनॉमी को। कौन सी इकोनॉमी? जो सेंटर्ड हो एट द प्रिंसिपल, जो मेन प्रिंसिपल है उसके सेंटर्ड हो। और कौन सा प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ मेटेरियल रिकवरी, कि मेटेरियल की रिकवरी करना, किससे? ऑल काइंड ऑफ वेस्ट, सारा जो वेस्ट है, सब प्रकार का वेस्ट है, उससे रिकवरी की जाए मेटेरियल की। एंड उस मेटेरियल को रीयूज किया जाए, रिसाइकिल किया जाए। एंड उससे जो रिड्यूस होगा प्रेशर ऑन द नेचुरल रिसोर्सेस। सो पूरे वर्ल्ड में, अगर पूरे संसार की बात करें, वहां पे एम्फसाइज किया जा रहा है कि एक आपको सर्कुलर इकोनॉमी क्रिएट करना है। और मेन चीज उसको मटेरियल में से रिकवर किया जाए, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसमें से आपको रिकवर करना है। सभी सभी काइंड ऑफ मटेरियल को रिकवर किया जाए, उसको फिर रीयूज किया जाए, रिसाइकिल किया जाए, और जिससे रिड्यूस होगा नेचुरल रिसोर्सेज पे जो भी प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा। अ साउंड रैंकिंग, एक अच्छा रैंकिंग देना ऑफ द सिटीज एंड टाउन, टाउन और सिटीज की एक अच्छी रैंकिंग वुड नेचुरली गिव द हाईएस्ट वेटेज। वो डेफिनेटली एक हाईएस्ट वेटेज देगा टू दिस डायमेंशन, इस डायमेंशन को। डायमेंशन कौन सी? ऑफ, जो डायमेंशन है, आयाम है सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट का। एंड रिप्लेसिंग सिंबोलिज्म, सिंबोलिज्म है वो रिप्लेस हो जाएगा विद एन एनवायरमेंटल साउंड अप्रोच। अब स्टेट को अगर अच्छा साउंड रैंकिंग मिलेगा, सो डेफिनेटली उससे क्या होगा, उनका मोराल बूस्टअप होगा। एंड डायमेंशन है उसको भी हाइट मिलेगी, डायमेंशन जो भी आयाम है सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट का, रिप्लेसिंग सिंबोलिज्म एंड एनवायरमेंटली साउंड अप्रोच को। सच रिगर, जो ऐसा कठोर है, रिगर कठोर इन पॉलिसी फॉर्मेशन फॉर्मुलेशन, जो ऐसी जो कठोरता लाई गई है पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, कैन मेक द सेंटर्स गोल। ये सेंटर के गोल को, कौन सा गोल है? एलिमिनेट करना सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक बाय 2020 सीम्स मोर रियलिस्टिक। राइटर कहता है कि जितना ज्यादा आप फॉर्मुलेशन में, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में कठोरता लेके आओगे, वो सेंटर के गोल को उतना ही ज्यादा रियलिस्टिक बना देगा 2022 तक, कि हमें 2022 तक सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक को खत्म कर देना है। सो जितना ज्यादा आप पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा, उतनी ही आपका जो टारगेट है वो रियलिस्टिक होगा। एंड इंडस्ट्री, और जो इंडस्ट्री है वुड फाइंड अ कंपेलिंग रीजन, इंडस्ट्री को भी एक कंपेलिंग रीजन मिल जाएगा टू स्विच, ताकि वो स्विच कर सके टू अल्टरनेटिव। अब अगर जो इंडस्ट्री है उनके पास में कुछ अल्टरनेट ही नहीं होगा, अगर आप उन पे ज्यादा स्ट्रॉन्गली फॉर्मुलेशन लगाओगे, पॉलिसी फॉर्मुलेशन लगाओगे, तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ अल्टरनेट तो ढूंढेंगे ही। रिटॉलिंग, बार बार बताना, रिटॉल होता बार बार बताना। स्वच्छ सर्वेक्षण, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के बारे में, टू गो बियॉन्ड परसेप्शन, वो परसेप्शन से परे जाता है, परसेप्शन मैनेजमेंट, वो परसेप्शन मैनेजमेंट से परे जाता है। एंड अडेप्ट सस्टेनेबिलिटी, वो सस्टेनेबिलिटी को अडॉप्ट करता है। इज एसेंशियल, वो बहुत ज्यादा जरूरी है टू मेक इट अ जेन्युइन कॉन्टेस्ट, एक बहुत जेन्युइन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए। सो राइटर्स इज सेइंग कि रिटॉलिंग बार बार में कहना इज एसेंशियल, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि टू मेक इट अ जेन्युइन कॉन्टेस्ट, एक बहुत अच्छा कॉन्टेक्स्ट करने के लिए बार बार में आपको इसको कहना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इट वॉज ऑल अबाउट द आर्टिकल, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द